नमस्कार दोस्तों, गेटेड झील के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपका परिचय आपको मितेश केमानी से करवाने जा रहा हूँ। मितेश की गेट 2022 CS में AIR 10 आई है। मितेश की सबसे बड़ी बात है, मितेश इज इन थर्ड ईयर और थर्ड ईयर में रहते हुए मितेश ने ये रैंक पाई है। वैसे थर्ड ईयर के साथ में एक एडवांटेज रहता है कि थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट के पास में प्रेशर नहीं रहता कि मुझे प्लेसमेंट में बैठना है, फिर दूसरा प्रेशर नहीं रहता है कि मुझे कुछ प्रोजेक्ट बनाना है, तीसरा ये रहता है कि मुझे कोई इंटर्नशिप नहीं करना है। तो सारा टाइम अगर कोई थर्ड ईयर वाला देना चाहे, मतलब इफ़ यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन इन द सेकंड ईयर, तो मितेश के पास में ये सारे एडवांटेज थे और मितेश ने इस एडवांटेज और उससे ऊपर सबसे बड़ा एडवांटेज जो मितेश के पास था कि कॉलेज ऑनलाइन लग रहे थे। ऑनलाइन लग रहे के कारण मितेश का बहुत सारा टाइम बचा और मितेश ने उस टाइम को पूरा यूटिलाइज किया गेट की इस रैंक को अचीव करने में। तो मितेश, बहुत बहुत स्वागत है। बताएं आपने झील के टेस्ट सीरीज को यूज किया। यस सर। फिर यहाँ का जो मटेरियल है, आपको मालूम ही होगा मटेरियल में कम से कम 8-10 हज़ार क्वेश्चन है। यस सर। फिर झील की दो टेस्ट सीरीज आपने 2021-2022 दो टेस्ट सीरीज यूज की। यस सर। फिर उसके बाद में फिर टेस्ट के डिस्कशन है। यस सर। और भी आपने झील के रिसोर्सेस यूज किए, तो बताएं, मतलब एक एक करके अपन डिस्कस करते हैं कि क्या, मतलब किस तरह से रहा और क्यों, मतलब गेटेड झील के रिसोर्सेज आपने यूज किए। हाँ, मैं एक चीज और मैं बताना चाहूँगा कि मितेश, नाउ मितेश इज पार्ट ऑफ गेटेड झील, मितेश इज वर्किंग एज ए मेंटर नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। तो जो लोग भी झील को ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज, तो मितेश की मेंटरशिप का उन्हें फायदा मिलने जा रहा है। मितेश के साथ में शीमन अग्रवाल है जिनकी रैंक 68 है, साथ में अनमोल सर भी हैं जिनकी 343 रैंक है, तो इन लोगों की मेंटरशिप में आपको काम करने को मिलेगा। तो बताएं मितेश, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं मटेरियल से। yes, तो मटेरियल के बारे में किसने बताया था आपको यहाँ के बारे में और कैसे आपने मतलब मालूम किया कि झील का मटेरियल यूज़ करना चाहिए? सर, एक्चुअली में पहले मेरे पास एक दूसरा ऑनलाइन कोर्स था, मैंने वो ले रखा था मेरी गेट की प्रिपरेशन के लिए। तो उसमें सर मैंने 2-3 सब्जेक्ट्स पढ़े, फिर जब मैंने क्वेश्चन लगाने उनके चालू करे ना, तो सर डेट वर नॉट अप टू द लेवल सर। मज़ा नहीं आ रहा था क्वेश्चंस करके, बहुत नॉर्मल से क्वेश्चंस थे, मतलब एक एक मिनट में हो जा रहे थे, ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ रहा था सर, मज़ा ही नहीं आ रहा था। और मैं वो क्वेश्चंस करने के बाद अगर मैं PYQ उठाऊं तो PYQ फिर मुझसे नहीं बन रहे थे। तो सर फिर उसके बाद ये हुआ था कि मैं जिस कॉलेज में हूँ सर, एक्रोपोलिस, लास्ट ईयर उसी कॉलेज से जो एक मेरी सीनियर मैम है दीक्षा कस्तूर है, 37th रैंक, तो मैंने फिर उनको कांटेक्ट करा कि मैम आप अंडर 50, आपकी बहुत अच्छी रैंक है, तो मैम आप मुझे कुछ गाइड कर दो इसके लिए मटेरियल को लेके। तो उन्होंने मुझे बताया कि झील की टेस्ट सीरीज और झील का मटेरियल क्वेश्चन बैंक बेस्ट मटेरियल अवेलेबल है सर CS के बच्चों के लिए, तो मुझे आँख बंद करके झील के मटेरियल के साथ जाना चाहिए। तो सर फिर बस उन्होंने बोला और सर मैंने फिर झील का मटेरियल भी ले लिया और टेस्ट सीरीज भी, मैं टेस्ट सीरीज में भी इनरोल कर लिया। सर उसके बाद सर मैंने जब फिर उसके बाद जो मेरे 2-3-4 सब्जेक्ट पढ़े हुए थे, फिर मैंने जब झील का मटेरियल लगाना चालू करा तो सर मुझे ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखा। सर झील के मटेरियल में सर ऐसे ही क्वेश्चंस नहीं थे कि बस नाम के लिए डाल दिए सर, एक एक क्वेश्चन आपको सोचने पे मजबूर करता है, आपके कंसेप्ट जो है सर एकदम डीप में चेक करता है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ही आपसे क्वेश्चन बनेंगे, नहीं तो आपसे नहीं बनेंगे। हाँ, कैटेगरीज भी है सर, ये एक अच्छी बात है मॉड्यूल्स की, झील की मॉड्यूल की सर, की कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया बेसिक और एडवांस। बेसिक में सर आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ईजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है, तो आप बेसिक मॉड्यूल पहले कोई भी सब्जेक्ट के लगाते हो तो सर आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ अब मैं इस सब्जेक्ट के साथ कंफर्टेबल हो गया हूँ, मुझे इसके कॉन्सेप्ट्स आते हैं। और हालांकि मैंने ये देखा कि बेसिक मॉड्यूल ही लगा लो ना सर, उसके बाद ही PYQs बन जाते हैं। लेकिन फिर झील ने सर एक कदम और ऊपर जाके सर एडवांस मॉड्यूल्स भी दी। एडवांस मॉड्यूल्स की एक अच्छी बात है, एडवांस मॉड्यूल में क्या होता है सर, 3-4 सब्जेक्ट से मिलके एक क्वेश्चन बनता है, मतलब कभी हम प्रोबेबिलिटी को तो बुझाने की कोशिश ही करते हैं। हाँ, PNC प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी को एडवांस क्वेश्चंस में ये चीज तो आई जाता है कि मैथ्स आपका बहुत बिल्कुल अच्छा। तो सर ऐसे जब 3-4 क्वेश्चन, मतलब 3-4 टॉपिक्स एक ही क्वेश्चन में घुस जाते हैं ना,
तो सर फिर वो आपको सोचने पे मजबूर कर देते हैं, आपके कंसेप्ट सर बहुत अच्छे से चेक होते हैं और आपके बनते भी इनफैक्ट सर, और सॉल्यूशंस तो इतने मस्त तरीके से प्रोवाइडेड रहते हैं सर, इतने डिटेल्ड और अच्छे सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड रहते हैं कि सॉल्यूशन पढ़ के तो फिर समझ आ ही जाता है अगर क्वेश्चन नहीं बने। और सर मेरे साथ होता था, मेरे से एडवांस के इतने क्वेश्चन नहीं बनते थे, लेकिन जब मैं सॉल्यूशन पढ़ लेता था ना तो सर मुझसे फिर वो बनते भी थे, समझ भी आते थे मुझे अच्छे से, और कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आता था कि यार अच्छा अब मैं इतने थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस भी मैं टैकल कर सकता हूँ। वैसे आपको अनुभव भी हो गया होगा कि क्योंकि आप पर्दे के पीछे के पार्ट हो गए हैं, क्योंकि आप मेंटर हैं यहाँ पर, और इन सारी चीजों में सॉल्यूशंस को वेरीफाई करना, टेस्ट को वेरीफाई करना, ये सारे चीजों में इन्वॉल्व भी है, तो आपको मालूम पड़ता होगा कि कितना लेबर इसको प्रिपेयर करने में लगता है। और हम लोग पूरी पूरी कोशिश करते हैं कि आपको एक बहुत अच्छा लेवल का आपको मटेरियल आपको दिया जाए। टेस्ट सीरीज एक बहुत बड़ा पार्ट रहता है जो प्ले करता है, तो टेस्ट सीरीज में कैसे मतलब कैसे मार्क्स आते थे, किस तरह से मतलब, वैसे तो तुम्हारे मार्क्स हमेशा पहली दूसरी तीसरी चौथी टेस्ट में नज़र में आ गया था कि तुम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन किस तरह का वो रहा कि मतलब लेवल किस तरह का था, या ऐसा कुछ सर ऐसा कुछ लगा कि कुछ बहुत स्पेशल चीज़ इसमें दिखती है? सर मैंने मार्केट की और भी टेस्ट सीरीज रेफर करी थी और जील की भी नहीं यू कैन नेम इट टेस्ट सीरीज। हाँ तो सर मैंने मेड इजी की मैंने परचेस करी थी और जील की तो सर मेरे पास थी ही, और इसके अलावा सर ऑल इंडिया फ्री मॉक्स मैंने एंड एंड में बाकी टेस्ट के दिए थे, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के दिए थे। तो सर जो एक जो सर सबसे खास बात मुझे जील की टेस्ट की लगती है सर, कोई टेस्ट सीरीज मार्केट में आपको वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर ही नहीं करती। वो उनके क्वेश्चन या तो PYQ बेस्ड रहते हैं या थोड़े से मॉडरेट लेवल के वो डाल देते हैं। पर सर मैंने ये देखा कि सर अगर जील के मेरे से जील की टेस्ट सीरीज में मेरे अच्छे नंबर आ रहे हैं ना सर, तो ये बात पक्की है मेरे एक्चुअल गेट में भी अच्छे नंबर आने वाले, क्योंकि सर जील हर केस के लिए मुझे टेस्ट, हर टॉपिक, हर छोटे छोटे माइक्रो टॉपिक में मुझे टेस्ट करता है जील की टेस्ट सीरीज। मैं मतलब थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, मैं हम जब बनाते हैं, हम लोग जब मटेरियल और टेस्ट बनाते हैं तो हम पूरा सिलेबस को लेके बैठते हैं कि हमने टेस्ट नंबर 1 में ये क्वेश्चन दिया, फिर 2 में ये दिया, फिर 3 में ये दिया, फिर 4 में ये दिया, इस तरह से सारे कॉर्नर को हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं हमारे मटेरियल और टेस्ट सीरीज में। हाँ यस सर। तो और सर बात करूँ मार्क्स की तो सर शुरुआत में थोड़े कम थे, मतलब ये अप्स एंड डाउन सर रहे हैं मार्क्स, ऐसा मेरा बढ़ते ही नहीं रहे या एकदम कम नहीं होते रहे, मेरा अप्स एंड डाउन चलता रहा। बट हाँ एंड में आते आते मुझे अच्छे मार्क्स में, मतलब थोड़े स्टेबल हो गए थे, मुझे अच्छे मार्क्स आने लग गए थे। हाँ टॉप 10 टॉप 20 या तो मैं आने लग गया था एंड में आते आते। यस सर। और सर एक जो मैंने चीज़ नोटिस करी ना सर, जील के टेस्ट के क्वेश्चन जो थोड़े बहुत क्वेश्चन यार जो देखने में लगते हैं कि यार ये तो कभी मैंने देखा ही नहीं, ऐसा भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता था क्या, और इतने मतलब इतने सुपर्ब क्वेश्चंस रहते हैं। और उसके बाद भी सर अगर जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ये भी देखा कि सर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के जो पेपर्स रहते हैं, जो रिसर्च पेपर्स रहते हैं, जो उनके टेस्ट में आए हुए होते हैं, जो उनके मिड सेम्स एंड सेम्स में उनके आए होते हैं फॉरेन अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी सर, जैसे UC Berkeley या कालटेक के जो सर पेपर्स रहते हैं, तो सर वो उनसे उठा के कंसेप्ट सर क्वेश्चन बनाए रहते हैं। तो सर मतलब जा रहा है सर, मतलब लिटरली उसके बाद तो उसके बाहर तो सर क्या ही क्वेश्चन आएंगे सर, वो वन ऑफ द जो कह सकते हैं वर्ल्ड के बेस्ट माइंड्स है, बेस्ट कंप्यूटर साइंटिस्ट है सर, उनसे क्वेश्चन सर उनके रिसर्च पेपर्स वगैरह से सर क्वेश्चन कंसेप्ट लेके उस पर क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। तो सर मुझे नहीं लगता फिर सर इससे ऊपर हमको कुछ और टेस्ट कर सकता है, मतलब ये तो एक वो हो गई सर एक हाइट हो गई। कोशिश रहती है कि हमको हम अपने टेस्ट और अपने मटेरियल में बेस्ट से बेस्ट चीजें, आपने यहाँ के कुछ वीडियो रिसोर्सेज को भी यूज़ किया था? यस सर। जैसे हमारा जो CSO है या COA जिसको बोलते हैं, वो लगभग पूरा YouTube के ऊपर अवेलेबल है, आप YouTube पे जाएंगे तो आपको वहाँ पर पूरा आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, डिजिटल लॉजिक है जो आपको पूरा मिल जाएगा। साथ में हम लोगों ने लगभग पूरा PYQ 2009 से लेके 2019 तक, यस सर 19 तक पूरा हमने डिस्कस किया है, लाइव डिस्कस किया है, और आप हमारे वहाँ जाएंगे, आप यूट्यूब चैनल के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर आपको पूरा डिस्कशन मिलेगा। तो किस तरह से काम आया ये, कुछ लगा ऐसा कि कुछ है सर? बहुत बहुत हेल्पफुल से सर। एंड सर जब आखिरी के 3 महीने बचे थे, तो 3-3.5 महीने बचे होते सर, तब हर बच्चा कोशिश करता है कि एक बार और PYQ सारे हो जाए। तो सर वही तो
मैं ऐसे ही जब यूट्यूब पे एकदम इसके अक्रॉस आ गया मैम के PYQs के लेक्चर के, और मैंने देखना चालू करा एक एक सब्जेक्ट वाइज अच्छा सेग्रीगेट करके रखा हुआ है। और मैम जिस तरीके से PYQs से डील करती है, PYQs के मतलब एक एक PYQs के मल्टीपल सोचने के तरीके बताती है कि इसमें ऐसा भी कर सकते थे, ऐसा भी कर सकते थे, अच्छा ऐसा करेंगे तो जल्दी आएगा, ऐसा करेंगे तो फंस जाएंगे, ये ट्रैप क्वेश्चन है, अगर ये पेपर में आए तो पहली बार में छोड़ना, पहली बार में छोड़ना रहता है, एंड में टाइम बचे तो देखो, पर ये ट्रैप क्वेश्चन है। तो मैम हर क्वेश्चन की इतनी अच्छी इंसाइट देती थी ना, ऐसा फील होता था कि यार अब अगर गेट का कैसा भी पैटर्न आ जाए मैं डिकोड कर पाऊंगा कि यार पेपर टफ है इजी, और मैं उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी प्लान करके मुझे मैं जैसा कंफर्टेबल हूं मैं वैसा पेपर अटेम्प्ट कर पाऊंगा और ट्रैप क्वेश्चंस छोड़ पाऊंगा। क्योंकि क्वेश्चन छोड़ना ही सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आपने वो छोड़ दिया, सपोज इन क्वेश्चन पेपर ऑफ 30-65 क्वेश्चन, इफ यू देयर आर आई थिंक 10 क्वेश्चन के आसपास वो आपने छोड़ दिए, बचपन करना है, बचपन में तो टॉपर बनते हो भाई, बचपन ही करना है अपने को, 10 छोड़ देना, वो ट्रैप लेते हैं, एग्जामिनर जानबूझकर उस क्वेश्चन को उस पेपर में डालता है ताकि आपका समय खराब हो और आपका पेपर और आपका रिजल्ट आपका खराब हो जाए। मितेश ने ये बहुत अच्छी चीज़ की ट्रैप क्वेश्चंस को छोड़ना, बहुत पहले बहुत अर्ली में छोड़ दिया था। आपसे भी निवेदन है कि आप अगर किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपके पास एक लिमिटेड टाइम है, वो लिमिटेड टाइम में हमको लिमिटेड चीज़ें करनी रहेगी। ये नहीं बोला कि पूरा पेपर नहीं करना है, करना है पूरा पेपर, लेकिन जो सरल सरल चीज़ें हैं वो पहले करनी है, मीडियम फिर सेकेंड स्टेज में, और थर्ड स्टेज में वो चीज़ें जो हमको टफ लगती हैं या जिनको हमको करने में टाइम लगेगा। तो मितेश एक और रिसोर्स है जो सभी के लिए फ्री अवेलेबल है, आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे वहाँ पर आपको हमारे पुराने पेपर के नोट्स, पूरे नोट्स एकदम बिल्कुल अच्छे से लिखे हुए, आप वो बिल्कुल फ्री अवेलेबल है, आप उसको यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। मितेश ने भी वो रिसोर्स को यूज़ किया। हाँ सर, मैं तो इधर कौन से सब्जेक्ट में उसमें सर मैं एक थोड़ा सा फैक्ट बताता हूँ सर, जब प्रिपरेशन के यार थोड़े बहुत जब सब्जेक्ट्स बच जाते हैं कि यार अब नोट्स बनाने पे ध्यान दें, कंसेप्ट समझने पे ध्यान दें, क्वेश्चंस करने पे ध्यान दें, सर बहुत चीज़ें एंड में बहुत चीज़ें आ जाती है, टेस्ट सीरीज भी चल रही होती है, तो सर एंड में मेरे भी 2-3 सब्जेक्ट बच गए थे, और सर करना नहीं, ये करना नहीं चाहिए, आपको नोट्स बनाने चाहिए प्रॉपर खुद ही, पर मैंने सर 2-3 सब्जेक्ट के एंड में टाइम नहीं था तो मैंने खुद से नहीं बनाए थे, मैंने लिटरली सर जो जील के नोट्स प्रोवाइडेड थे ऐप पे, गूगल ड्राइव की लिंक शेयर थी, मैंने वो प्रिंट आउट निकलवा के रख लिया अपने साथ। हम सबको ही बोलते हैं कि दिस इज अवेलेबल, आप तो बस पढ़ें, हम अवेलेबल है, डाउनलोड करें, प्रिंट आउट लें और पढ़ें, बाकी तो बाकी आपको एक सिस्टम चाहिए रहता है तो नेचुरली आपको कोर्स करना रहता है। और सर लेकिन, इतने लेकिन आप अगर लिमिटेड रिसोर्सेज में काम करना चाहते हैं, तहसील मटेरियल एंड दैट नोट्स वो आपके लिए सफिशियंट है, अगर कोई काम करना चाहता है थोड़ा सा मेहनत तो लगती है, और सर इतने तो करने पड़ेंगे, इतने अप टू द पॉइंट नोट्स है ना सर, वो इतने मतलब प्रिसाइज और एक्यूरेट, कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं और कम इन्फॉर्मेशन भी नहीं, जितनी जितना गेट का सिलेबस, हाँ आराम से, उससे मतलब होता है हमारा क्वेश्चन जो है वो छूटना नहीं चाहिए। हाँ पेपर में पढ़ना है बिल्कुल, कोई बहुत सारा पढ़ने की हमको, कोई बहुत सारा रिसर्च थोड़ी कर रहे हैं हम गेट के पेपर में, हम तो यहाँ पर है कि हमारे 65 क्वेश्चन है वो 65 क्वेश्चन बनना चाहिए, इतना ही पढ़ना पड़ता है, बाकी तो हम आईआईटी जाएंगे ना पढ़ने के लिए, वहीं पर जाके रिसर्च करेंगे। यस सर, और क्या कुछ बोलना चाहोगे? सर मैं सर मुझे एक जो जील की बहुत अच्छी बात लगी थी जब मैं प्रिपेयर कर रहा था सर, डाउट डिस्कशन सेशंस। सर क्या होता है सर, मैं दूसरी कोचिंग्स में ये सिस्टम रहता है सर, अगर आपने उनका ऑनलाइन कोर्स या कुछ भी ले रखा है, पहली बात तो अगर आपने उनकी टेस्ट सीरीज ले रखी है ना तो आपके डाउट इतने अच्छे से रिजोल्व करते ही नहीं है वो आपके सीरीज का पूरा लाइव डिस्कशन करते हैं। सब आ जाओ, हम इसका बिल्कुल टाइम दे देते हैं उस टेस्ट को, कितने बजे बिल्कुल सर हम टेस्ट डिस्कस करेंगे। हाँ। और सर टेस्ट सीरीज में सर जैसे जो यहाँ के फैकल्टीज है सर, आशीष सर हैं, बसंत सर हैं, तो सर लिटरली कभी कभी कोई क्वेश्चन अगर बच्चों को समझ नहीं आ रहा तो लिटरली भली आधा घंटा ले लेंगे एक क्वेश्चन के पीछे, 10 मिनट 15 मिनट ले लेंगे, पर वो डिस्कशन में इतने अच्छे से वो क्वेश्चन समझा देंगे, क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक समझा देंगे कि फिर वो क्वेश्चन आपसे कभी मतलब आपसे कभी चूक नहीं होगी उस टाइप के क्वेश्चन में। और सर डिस्कशन चैट ग्रुप बना हुआ है सर टेस्ट सीरीज का, सर वो भी सर इतना यूजफुल है
उसमें जितने टेस्ट सीरीज के एनरोल्ड स्टूडेंट्स सब एक दूसरे से डिस्कस करते हैं और उसपे फैकल्टीज और मेंटर्स भी रहते हैं। हाँ, फैकल्टीज मेंबर और सारे हाँ ऑनलाइन बच्चे ऑफलाइन बच्चे हाँ, और टेस्ट सीरीज वाले तो बच्चे, सर वो सारे हाँ, सब कुछ रहते हैं। यस सर, तो सर उसमें इतना अच्छे से डिस्कशन हो जाता है ना। सर क्या होता है जैसे किसी को कुछ कोई क्वेश्चन है, किसी को कुछ ऐसा रिसोर्स मिला अच्छा, एक नया ट्रिक मिला वो क्वेश्चन करने का, सब सब उस पर शेयर कर देते हैं। तो सर ऐसे नहीं नहीं वो डिस्कशन ग्रुप पे ही अगर आप एक्टिव रहो तो आपको एक ही क्वेश्चन करने के आपको लॉजिक आपका बनता जाता है। बच्चे इतने अच्छे अच्छे रिसोर्सेज शेयर करते हैं, फैकल्टीज भी इतने इतने अच्छे रिसोर्सेज शेयर कर देते हैं और समझाते भी हैं, इनफैक्ट अगर कहीं अटक जाओ। और सिर्फ मैंने ये बात देखी है कि जब उनके पास फ्री टाइम रहता है ना तो सिर्फ अपने टेस्ट के नहीं, उनसे आप कोई भी क्वेश्चन लाके आप पूछ लो। मैंने इनफैक्ट मैंने दूसरे टेस्ट सीरीज, तो सर मैंने आपको बताया सर वो डाउट डिस्कशन तो उनका कुछ था ही नहीं, तो इनफैक्ट मैं दूसरे टेस्ट सीरीज में मुझे डाउट आता मैं वो क्वेश्चन ये फैकल्टीज से पूछता था और जब भी उनके पास टाइम होता था वो मुझे अच्छे से प्रॉपर लिख के समझाते थे। और कहीं कहीं बार तो सर ये हुआ कि मुझे नहीं आया तो सर मुझे यहाँ के फैकल्टीज ने पर्सनली फोन करके भी समझाया, और जबकि मैंने बड़ी बात सर उसमें ये मैंने सिर्फ टेस्ट सीरीज ले रखी थी। हाँ। मैं ना ऑनलाइन कोर्स था ना ऑफलाइन कोर्स था, तो सर जब सिर्फ टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट का इतना ध्यान रखा जा रहा है तो सर फिर तो ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स वाले बच्चों का सर कितना ध्यान रखा जाता होगा। हम मितेश के साथ एक पूरा लंबा एक सेशन करना चाहेंगे जिसमें पूरी एक एक चीज डिटेल, कैसे पढ़ाई की, क्या किया मितेश ने। मैं बिल्कुल क्लेम नहीं करता कि मितेश ने पूरी तरह से हमारा कोर्स लिया था, नहीं, पर बहुत सारे रिसोर्सेज यहाँ पर, टेस्ट सीरीज है, मटेरियल है, डाउट सेशंस हैं, फिर वीडियो लेक्चर्स हैं, PYQs हैं, ये सारा सब कुछ मितेश ने यहाँ का रेफर किया था। yes, और अपन एक आगे आधा पौन घंटे एक घंटे जैसा भी अपना डिस्कशन हो सब लोग बैठ के मितेश के साथ में अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच मितेश। थैंक यू। और बच्चों आगे आने वाले जनरेशन के लिए तुम काम कर ही रहे हो एज ए मेंटर यहाँ पर। यस सर। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाओ ताकि क्वेश्चन भी नेचुरल है, तुमको भी एक मौका मिलेगा क्वेश्चन बनाने का, पर्दे के पीछे के रह के काम करना है। यस सर। तो क्वेश्चन बनाओ अच्छे से, सॉल्यूशंस लिखे जा सके। बिल्कुल सर। और बच्चों के डाउट सॉल्व कर। आखिरी बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि मार्केट में सर ऐसी बहुत अफवाह है कि ZEEL की टेस्ट सीरीज मत लो क्योंकि क्वेश्चंस बहुत टफ आते हैं। हाँ। तो मैं यही कहना चाहूँगा बच्चों को या जो भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं कि गेट का आप ट्रेंड भी तो देखिए। गेट जब खुद शिफ्ट हो रहा है, थोड़े गेट आपका इतना डीप में कंसेप्ट चेक कर रहे थे, ट्रिकी क्वेश्चन, इतने MSQs, इतने NAT डाल रहा है, तो क्या आपको सही में लगता है कि आप अगर सिर्फ इजी क्वेश्चन, इजी मॉडरेट क्वेश्चन करते रहोगे और उनमें दूसरे टेस्ट सीरीज में अच्छे अच्छे नंबर लाओगे तो आपके इधर भी उतने अच्छे नंबर आना, आपको सही में ऐसा लगता है? तो वो नहीं पॉसिबल होगा जब तक आपकी उन गेट के ऊपर के लेवल्स की, जब तक आपकी लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं है ना, गेट के क्वेश्चंस आपको कभी इजी लग ही नहीं सकते, ये फैक्ट बात है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है कि मैं अगर लेवल ऊपर है तो बहुत सारा थ्योरी और एक्स्ट्रा पढ़ना है। उसी थ्योरी के साथ में हाँ। हमने थ्योरी के साथ में कोई एक्सटेंशन नहीं किया। हाँ। हम उतना ही पढ़ाते हैं जितना सालों से पढ़ाते आ रहे हैं, हम 20 साल से एक जैसा ही पढ़ा रहे हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होता रहता है, 5-10% ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल उसी थ्योरी को यूज करते हुए कुछ अच्छे टाइप के क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं। एंड एकदम सर हर साल यही करते हैं और करते रहेंगे भगवान की कृपा से, ठीक है ना? यस सर, एकदम क्वालिटी क्वेश्चन रहते हैं सर ZEEL के एकदम। थैंक यू वेरी मच मितेश। अपन अगले सेशन में फिर से मिलते हैं जिसमें हम पूरा डिटेल एक बार फिर से अपन डिस्कस करेंगे। यस सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।